अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कपल रिएक्शन। दिस इज शहजाद अमजद एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मिसेस शहजाद। होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। टुडे वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन ए न्यू वीडियो ऑफ मौलाना रजा सागर मुस्तफाई साहब एंड द वीडियो इज इस्तकबाले रमज़ान 2021। स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत से ब्यूटीफुल से बयान को, लास्ट तक देखिएगा, इट्स रियली इंफॉर्मेटिव। एंड मीनवाइल प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लेट्स स्टार्ट द वीडियो प्लीज। الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه وبارك وسلم। قال الله تعالى متبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। हमद तारीफ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकात के लिए, रसूल रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुहतशम हुज़ूर ख़त्मी उल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़िल अपनी अकीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद, वाजिबुल एहतराम ज़बिल एहतशाम आली मर्तबत मोहतरम सामईन हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुअज़्ज़म के मुबारक दिन बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहे हैं और ये वो मुबारक महीना है जिसमें अनवार उतरते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े शाबानुल मुअज़्ज़म में रखते हुए देखा है। सुबह माहे शाबान में रमज़ानुल मुबारक का शिद्दत से इंतज़ार करना इसकी हमें तरगीब दी गई है, बल्कि रजब का चांद तुलु होते ही ये दुआ मांगा करते थे मेरे और आपके आका मौला के अल्लाह हमें शाबान तक और फिर रमज़ानुल मुबारक तक पहुंचा दे। इस महीने का आने वाले मौसम नूर का इस्तकबाल करना, उसके शौक़ में बेताबियों का इजहार करना, ये अल्लाह जल्ला शानहू के साथ मोहब्बत की अलामत है। शाबानुल मुअज़्ज़म के दिन गिन गिन के गुजारे जाएं कि इतने दिन रह गए हैं रमज़ानुल मुबारक में, अब इतने दिन रह गए हैं रमज़ानुल मुबारक में। इंसानी जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि मुतायना वक्त पर तो उस महीने ने आना ही है और अगर ज़िंदगी मौजूद रही तो उसको पा ही लेंगे, तो इस शिद्दत से इंतज़ार करने का क्या मतलब? तो उसका जवाब ये है, बैरून मुल्क से किसी के बुज़ुर्ग ने, वालिद ने या किसी के बेटे ने आना हो तो वो दो माह कबल ही आंखें फर्श रा किए होते हैं और गिन गिन के दिन गुजार रहे होते हैं और जो ही लम्हे करीब आते हैं तो फिर घड़ियां और साथें भी गिनी जाती हैं। बार बार घड़ी देखते हैं, अभी तक पहुंचे नहीं, जबकि ये तय है कि 5 बजकर इतने मिनट पे फ्लाइट उतरेगी। तो बार बार घड़ी देखने का मतलब लाहौर से 2 घंटे यहाँ गुजरांवाला में पहुंचते हुए लगेंगे, लेकिन हर 10 मिनट के बाद के ज़रा पता करो कहाँ तक पहुँचे। क्या मतलब इसका? मतलब इसका यह है कि जब सीने में किसी का इंतज़ार रखा हुआ हो तो फिर बेताबियाँ
बेचैनियाँ इस्तिराब मौजूद होता है। हम दुनिया के लोगों के साथ जो रब्त और रिश्ता रखते हैं उसके मुताबिक उनका इंतज़ार होता है। कुछ आने वाले ऐसे भी होते हैं जिन्होंने हमें बताया होता है कि फ़लाँ दिन हम पहुँचेंगे, और वो दरवाज़े पे दस्तक दे रहे होते हैं और हम सो के उठ रहे होते हैं, और अचानक जब पता चलता है कि फ़लाँ बाहर दरवाज़े पे दस्तक दे रहे हैं तो हम इस्तकबाल तो कर रहे होते हैं लेकिन हमारे जहन में ये भी होता है वो मैं भूल गया, तो अब तो ये काम भी मेरे ज़िम्मे है तो मुझे याद आ गया होता। तो जिन लोगों के लिए दिल में मोहब्बतों की जगह हो तो उनके लिए फिर सारे काम मुअख्खर करके उनके इस्तकबाल किए जाते। ये महीना अल्लाह की रहमतों का मौसम बहार है, छम छम रहमतें बरसती हैं, अनवार उतरते हैं, गुनाहगारों को आतशे दोज़ख से निजात बख्श दी जाती है। तो इसका इस्तकबाल करना, इसके लिए इंतज़ार करना, गिन गिन के दिन गुजारना, लम्हे और साआतें बसर करते हुए बार बार माह सियाम का जिक्र करना, इस महीने के साथ मोहब्बत की दलील है और इस महीने के साथ मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत की दलील है। इसलिए इस महीने का इस्तकबाल करना, इसके लिए तैयारी करना, अपने घर को साफ करना, इसके लिए अपनी औलाद के दिल में शौक़ पैदा करना और माहौल पहले पैदा करने की कोशिश करना ताकि जूँ ही ये माँ जलवा गर हो तो रोज़ा रखने का मिजाज पैदा हो चुका हो, तिलावत कलाम मजीद का मिजाज पैदा हो चुका हो, दीगर नवाफल और अच्छे आमाल बजा लाने की आदत पड़ चुकी हो, तो शाबान में ही इसकी तैयारी होती है ताकि रमज़ानुल मुबारक आते ही हम पूरी तरह से मुस्तअद और फ़ाल हो करके इस महीने की बरकतों को समेट लें। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब माह सियाम आता है फुतिहत अबवाबुल जन्नत, तो जन्नत के आठों दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। जन्नत तो अल्लाह जल्ला शानहू की करम नवाजियों का एक ऐसा खूबसूरत मंज़र है कि आज तक न किसी आँख ने उसको देखा, न किसी कान ने सुना और न उसका कोई तसव्वुर कर सकता है, ऐसी खूबसूरत बनाई है। वहाँ की हवाएं जब चलती हैं तो गर्द नहीं उठता, कस्तूरी उड़ती है। वहाँ दूध की, शहद की, माए मईन कौसर सलसबील की नहरें बहती हैं, मोती जमूरत के महल्लात बने हुए हैं। वो खूबसूरत महल और वो खूबसूरत जन्नत का माहौल, लेकिन इसके बावजूद उस खूबसूरत जन्नत को, मुरस्सा जन्नत को, नजीफ तरीन बुकाए रहमत को 11 माह तक रंगो रोगन किया जाता है रमज़ानुल मुबारक के इस्तेमाल के। और जब ये महीना आता है तो उसके दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और जन्नत के आठ दरवाज़ों में से एक दरवाज़े का नाम बाबू रैयान रखा गया है जो सिर्फ रोज़ादारों के इजाज़ो तकरीम के लिए है। रोज़ादार उस दरवाज़े से गुजर के जन्नत जाते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह ने इस माह मुबारक को क्या इज़्ज़त दी है, क्या प्रोटोकॉल दिया है, क्या तकरीम बख्शी है कि नबियों का इमाम, इमामुल मुरसलीन, ख़ातमुल अंबिया, महबूब खुदा इस महीने के लिए मुंतज़र रहते कि ये महीना आने वाला है, ये महीना आने वाला है। हज़रत सैयदुना सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि शाबान की आखिरी तारीख को हुजूर ने एक खुतबा इरशाद किया। बाज़ उलमा ने कहा कि ये शाबान का आखिरी जुमा था, या हो सकता है कि आखिरी जुमा 29 शाबान को ही हो। तो रमज़ानुल मुबारक से कबल हुजूर ने ये खुतबा इरशाद किया जो मुख्तलिफ कुतुब अहादीस में मौजूद है। या युहन्नास, ए लोगो, कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एक बहुत पाकीज़ा पुरनूर
आली मर्तबत महीना साया फिगन कर दिया है। शहरुन फीहे लैलतुन खैरु मिन अल्फ शहर, उस महीने में एक ऐसी रात है जो हज़ार महीने से बेहतर है। सुभानअल्लाह, बेशक। जालल्लाहु सियामहु फरीदा व क़याम लैलतिन ततव्वुअ, उस महीने के दिन के रोज़े फ़र्ज करार दिए गए और रातों का क़याम नफल बनाया गया। तरावी की सूरत के अंदर रातों के क़याम का माहौल पैदा होता है, सलातुल लैल पढ़ी जाती है, नवाफल पढ़े जाते हैं कसरत के साथ। ये उस महीने की शानें हैं, ये उस महीने की रौनकें हैं। उस महीने में अल्लाह ताला ने ख़ास करम नवाजियाँ अता की हैं अहले ईमान को। वमन तकर्रबा फीहे बिखसलत मिनल खैर काना कमन अद्दा फरीदतन फी मा सवा हो, एक नफल का सवाब एक फ़र्ज़ के बराबर इस महीने में कर दिया जाता है। वमन अद्दा फरीदतन काना कमन अद्दा सबईन फरीदतन फी मा सवा हो, और अगर कोई एक फ़र्ज़ अदा करता है तो उसको 70 फ़राइज़ का सवाब मिलता है। इस कदर नेकियों का अजर बढ़ा दिया जाता है, उनकी कीमत बढ़ा दी जाती है इस महीने में। और फिर इरशाद फरमाया वह हुवा शहरुस सब्र, ये सब्र का महीना है। होने के बावजूद भी इंसान तनावुल नहीं करता, ठंडा मीठा मशरूब मुयस्सर है और ज़ुबान कांटा बन गई, हल खुश्क हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी एक घूंट हलक से नीचे उतारने का रवादार नहीं होता। वज़ू करते भी एहतियात करता है, कोई कतरा आब हलक से नीचे न टपक जाए। तो ये सब्र सिखाता है, जब हो भी तो इंसान उससे गुरेज करे, तो जब होगा नहीं तो फिर इंसान सब्र का आदि बन जाता है। तो ये सब्र की आदत डालता है, ये शहरु सब्र है। फिर फरमाया वस्सब्र सवाबहु अलजन्ना, सुनो सब्र का सवाब जन्नत है। जो शख्स साबिर होता है उसका सिला जन्नत की सूरत में अता किया जाएगा। व शहरुल मवासात, और ये हमदर्दी का महीना है, बाहमी प्यार का महीना है, उल्फतें बांटने का महीना है, नरम दिली का महीना है, एक दूसरे के एहसास का महीना है। जब कोई शख्स भूख और प्यास काटता है तो उसको फिर महसूस होता है बिलखसूस ओमारा के भूख क्या बला होती है, और जो नाने शबीना को तरसते हैं और जिन्हें खाना मुयस्सर नहीं आता उनकी ज़िंदगियां कितनी तल्ख होती हैं। तो भूख और प्यास एहसास पैदा करती है उन लोगों का कि जो अल्लाह की दी हुई नेमतों से महरूम हैं। तो इसलिए ये एक किस्म का रहम दिली का महीना है, प्यार बांटने का महीना है, ये उल्फतें तकसीम करने का महीना है। वशहरुन युजादु फीह रिज़्कुल मोमिन, और ये ऐसा मुबारक महीना है जिसमें मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। रोज़ा खाना बचाने के लिए ये अखराजात कम करने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें आपका रिज्क और बढ़ जाता है। ऐसी ऐसी नेमतें खाने को उन लोगों को भी नसीब हो जाती हैं आम दिनों में जो उनका मकसूम नहीं होती। दस्तरखान लगते हैं, इफ्तारियां होती हैं, सहरी के लम्हात होते हैं, कोई किसी को वैसे खाना खिलाए तो उस दस्तरखान पे खाने के लिए आना उसका और रंग होता है। लेकिन इफ्तार का दस्तरखान जब बिछता है और लोग जब उसके ऊपर आते हैं, अमीर भी आते हैं गरीब भी आते हैं, तो अल्लाह की दी हुई नेमतें जो दस्तरखान पे पड़ी होती हैं उनको उठाते हैं, कामो दहन की तस्कीन का सामान करते हैं, इज़्ज़त नफ्स भी मजरू नहीं होती और तरह तरह की नेमतें खाना भी दस्तयाब हो जाती हैं। तो ये एक महीना है मवासात का, इसमें रिज्क बढ़ जाता है, गुराबा तक भी अल्लाह की नेमतें वो पहुंचती हैं जो आम दिनों में उनको मुयस्सर नहीं होती, और उमरा भी नेमतों का लुत्फ़ लेते हैं, नेमतों का मज़ा उन्हें आता है, इसलिए कि भूख काटने के बाद जब उनको नेमत मुयस्सर आती है तो फिर उन्हें एहसास होता है। जो शख्स हर वक्त सैराब रहता है तो उसको क्या पता कि शदीद भूख के बाद खाने का लुत्फ़ क्या होता है, सख्त प्यास के बाद मीठा और ठंडा मशरूब
जब रगों को तर करते हुए मेदे तक पहुंचता है तो उसकी तरावत, उसकी ठंडक, उसकी लज्जत, उसका कैफो सुरूर, उसकी अजूबत किस तरह राहत बख्शती है। इसीलिए मेरे और आपके आका और मौला ने एक दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, लिस्साए में फरहतान, फरहतुन इंदा फितर ही व फरहतुन इंदा लिखाए रब्बे। रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी उसे तब मिलती है जब वो रोज़ा इफ्तार करता है, वो लम्हे मुसर्रतों के होते हैं, एक रूहानी एहसास होता है। इतना लंबा दिन, इतना सख्त दिन, गर्मी की शिद्दत, मालिक तेरा शुक्र है लम्हा इख्तिताम पहुंचा और ये इतना लंबा दिन तेरे हुक्म की तामील करते हुए बसर हो गया। एक तो रोज़ा खोलते हुए वो एक सरशारी होती है, वो एक लज्जत होती है, रूहानी तस्कीन होती है। आजकल वो इफ्तार के दस्तरखान लगते हैं तो जिस तरह हमारे सारे मामलात जो हैं वो मुलव्वस हो गए हैं रियाज़ से, तसन्नो से, इस तरह इफ्तार भी एक फैशन के तौर पे फरोख पा रही है। बिल्कुल, तो उसमें उमरा को और शख्सियात को बुलाया जाता है और ऐसे लोग कसरत के साथ होते हैं जिनका रोज़ा भी नहीं होता, तो फिर ज़ाहिर है रस्मन तो उतनी देर तक वो कुछ नहीं उठा सकते जब तक अज़ान की आवाज़ नहीं आती, इफ्तार के लम्हे नहीं आते। तो उस वक्त जो रोज़ादार होता है, जब वो मशरूब ले रहा होता है, जब वो कोई लुकमा उतार रहा होता है, तो उसकी जो फरहत होती है, और जिसने रोज़ा नहीं रखा और वो भी इफ्तार के दस्तरखान पर बैठा है, तो क्या उसको कोई रूहानी हज, कोई सुरूर, इफ्तार के लम्हों का कोई लुत्फ मिल सकता है? वो बेचारा कितना बेचैन होता होगा कि ये शख्स है, कमज़ोर है, सारा दिन मजदूरी करके आया है और इसका भी तो सारा दिन गुजर गया भूख और प्यास से, और मैं सेहतमंद हूँ और सारा दिन ठंडे माहौल में रहा हूँ और मुझे तौफीक नहीं मिली, तो वो घूंट कितने मुश्किल उसके लिए होते होंगे। और रोज़ादार के लिए किस कदर वो आसूदा बख्श लम्हे होते हैं कि जब उसको ये मुसर्रत हो रही होती है कि मालिक तेरा शुक्र, गर्म मौसम, जुबां कांटा, हल खुश, और तूने तकमील तक लम्हे पहुंचाए और मेरा दिन खैरियत से गुजर गया, तो वो उसके लिए एक खुशी का लम्हा, रूहानी मुसर्रत की कैफियत। और दूसरी कि जब वो ठंडा और मीठा मशरूब, सारे दिन की सूखी हुई जुबान और खुश हलक और इंसान की जो है वो रगें भी, अंतड़ियां भी खुश्क हो चुकी होती हैं, तो ठंडा और मीठा मशरूब जब इंसान के मैदे की तरफ बढ़ रहा होता है, जुबान बोले ना बोले एक एक रुवां अल्लाह की हम्द बोल रहा होता है और तशक्कुर इंसान के रगो रेशा से अदा हो रहा होता है और उसकी कैफियत, उसकी सरशारियाँ, उसकी लज्जतें वो देखने की होती हैं। तो कहा लिस्साए में फरहतान, रोज़ेदार को तो एक फरहत उस वक्त मिलती है इंदा फितर ही जब वो रोज़ा खोलता है, रूहानी फरहत भी, जिस्मानी फरहत भी, व फरहतुन इंदा लिकाए रब्बे। और दूसरी फरहत और दूसरी खुशी उसे तब मिलेगी जब इस रोज़े के सिले में अल्लाह ताला अपने रुख अनवर से पर्दा उठा देगा और रोज़ादार को अपने दीदार की दौलत अता करे, तो वो फिर मंजर देखने वाला होगा, रोज़ादार की आंखें ठंडी हो जाएंगी। असल इफ्तार तो वो होगी ना, अल्लाह अकबर, असल तो शरबत दीदार मिलेगा जो रूह की प्यास बुझा देगा, जो मन की भूख मिटा देगा। तो कहा लिस्साए में फरहतान, फरहतुन इंदा फितर ही व फरहतुन इंदा लिकाए रब्बे। रोज़ादार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी वो है जब उसके जिस्म की प्यास बुझती है और एक खुशी तब मिलेगी जब रूह की भूख मिटेगी, जब मन की प्यास बुझेगी और फिर वो सरशारियों के आलम में देखता ही चला जाएगा और वो सहरा भी नहीं हो पाएगा कि मैं इन दो आंखों से देख रहा हूं, काश के लू लू दे मुड लक लक चश्मा, एक खोला थे एक कज्जा हूं। वो इस आरजू में होगा कि मेरा रवा रवा आंख बन जाए और मैं इस दीदार से फैजियाब होता चला जाऊं। तो वो क्या लम्हे होंगे, वो क्या घड़ियां होंगी, वो क्या साते होंगी, कोई लफ्ज़ नहीं है जिन लफ्ज़ों में इन हकीकतों को बयान किया जा सके, इसलिए कि वो मंजर ही वराउल वरा होगा। तो रोज़ादार को फरहत मिलती है जब वो रोज़ा खोलता है। फरमाया व शहरुन युज़ादु फ़ीहि रिज़्कुल मोमिन, इसमें मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है।
وَمَنْ فَتَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ, جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ایک تو خود روزہ رکھا اور دوسری سعادت یہ ہے کہ ماہ صیام میں روزہ دار کا روزہ افطار کروایا. آپ شریعت بیضہ کو بنظر عمیق مطالعہ کر کے دیکھیں, ماہ صیام میں بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ روزہ افطار کرواؤ. اپنے گھر میں بیٹھ کر کے روزہ افطار کر لینا یہ بھی سعادت مندی ہے, روزہ نصیب ہو جائے, لیکن اس بات پہ بہت زور دیا گیا ہے ماہ صیام میں کہ ایک ماحول پیدا ہو, لوگوں کو افطار کروائیں تاکہ تمام لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہنچیں اور لوگوں تک جو ہے وہ رمضان المبارک کی برکتیں پہنچیں. تو ارشاد فرمایا وَمَنْ فَتَّرَ فِيهِ صَائِمًا, جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا, کانا مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ, سبحان اللہ, تو وہ افطار کروانا سبحان افطار کروانے والوں کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. یہ افطاری گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گی. وَإِتْقَ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ, اور آتش دوزخ سے گردن کی آزادی کا مجدہ جاں فضا بن جائے گا یہ امر کہ اس نے کسی کا روزہ افطار کروایا. وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ, اور روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے جتنا اجر ہی دیا جائے گا, لیکن روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی. جتنا اس نے سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کر کے تکلیف اٹھا کر کے روزہ رکھا, جس نے شام کو اس کو افطار کر دیا اتنا ہی ثواب اس کو عطا کر دیا جائے گا, اس کا اجر کم کیے بغیر. اللہ اکبر, یہ امت کے لیے اللہ نے کیا پیکج دیا ہے, کیا کرم نوازیاں ہیں اس امت کے لیے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا ایک شخص صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے, اس کو ایک کی رات دیا جاتا ہے, اور ایک شخص ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے, اس کو بھی ایک کی رات دیا جاتا ہے, اور ایک عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے, اس کو دو کی رات دیے جاتے ہیں. فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے, دوسری مثال نصارہ کی ہے, اور تیسری مثال میری امت کی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ ہمارا اجر کیوں تھوڑا ہے, تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا تمہارا تھوڑا نہیں, ہمارا زیادہ ہے. آج کل اگر 1,000 روپیہ مزدوری چلتی ہو مزدور کی, تو کوئی شخص صبح سے شام تک ایک شخص سے مزدوری کروائے اور 1,000 روپیہ دے دے, اور دوپہر کو اڈے سے جا کے ایک مزدور اور لے آئے اور شام کو اس کو بھی 1,000 روپیہ دے آئے, اور ایک شخص کو عصر کے وقت لائے اس کو 2,000 روپیہ دے دے, بالکل, تو 1,000 والا کہے کہ میرے سے زیادتی ہوئی ہے, تو اس سے زیادتی تو نہیں ہوئی, اسے تو پوری مزدوری دی گئی. اب اس پہ مہربانی ہوئی ہے, اس پہ رحمت ہوئی ہے. تو کہا یہود اور نصارہ کی یہ مثال ہے, ایک صبح سے ظہر تک مزدوری کرے اس کو ایک کی رات, ایک ظہر سے عصر تک مزدوری کرے اس کو بھی ایک کی رات, اور تیسرا بہت تھوڑا وقت عصر سے مغرب تک مزدوری کرے اس کو دو کی رات. کہا یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلوات کو دیا گیا نور ہے. تو ایک شخص نے سویر سے لے کر شام تک روزہ رکھا, بھوک کاٹی, پیاس کاٹی, سخت شدت کی گرمی سہی, اور ایک شخص نے شام کے وقت اس کو روزہ افطار کروا دیا. اور سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, جب حضور نے فرمایا کہ اس کو پورا اجر ملے گا پہلے کے اجر کو کم کیے بغیر, تو صحابہ کا تو دل تڑپنے لگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ ایسی معاشی خوشحالیوں کا نہیں تھا, لوگوں کے پاس تو نان شبینہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا. تو صحابہ نے جو سوال کیا, قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیسا کلنا یجد ما یفطر الصائم, ہم میں سے تو ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کروا دے. تو یہ اتنی بڑی سعادت, تو یہ تو پھر اہل زر ہی یہ سعادت حاصل کر پاتے ہیں. ہمارے جیسے لوگ تو پھر جو مال و دولت نہیں رکھتے, تو وہ تو پھر یہ سعادت نہیں حاصل کر پائیں گے. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کیا فرمایا, قال, حضور نے ارشاد فرمایا, یوت اللہ حاضر ثواب, یہ ثواب اللہ اسے شخص کو بھی عطا کرے گا,
من فطر صائما على مزقة لبن او تمرة او شربة من ماء. فرمایا کہ یہ اجر اللہ اس کو بھی عطا کرے گا جس نے کسی کا روزہ ایک گھونٹ دودھ سے کھلوا دیا یا ایک کھجور سے کھلوا دیا یا پانی کے ایک گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کروا دیا. لازمی نہیں ہے کہ دسترخوان سجا ہو, انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوں اور وہ افطاری ہی افطاری قرار پائے گی. جس نے کسی کو وہاں باہر ٹوٹیوں سے پانی کا گلاس بھر کے, کٹورا بھر کے سادہ پانی بھی پیش کر دیا تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا. کتنا ثواب ملے گا؟ پورا روزہ رکھنے کا ثواب اس کو ملے گا. بے شک کتنی رحمتوں کی لوٹ سیل لگی ہے. کوئی ایسے بھی بانٹتا ہے, کوئی ایسے بھی کرم نوازیاں ہوتی ہیں, لیکن میرے رب کے خزانے کتنے کھلے ہیں. میں نے مدینہ المنورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ روزے کے وقت وہاں سے ہی گلاس لیتا اور زمزم سے بھرتا اور روزہ داروں کے آگے رکھتا چلا جاتا, اور روزانہ اس کا یہ عمل ہوتا. نماز عصر کے بعد شروع ہوتا, جتنی اس کی پہنچ ہوتی ہر ایک کے آگے رکھتا چلا جاتا, پانی بھی وہاں سے لیا, گلاس بھی وہاں سے لیا. اللہ اکبر. فرمایا دودھ کا ایک گھونٹ یا پانی کا ایک گلاس یا ایک کھجور اس نے کسی کو پیش کی اور اس نے اس سے روزہ کھولا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پہلے کے اجر میں بغیر کسی کمی کے اس کو پورا پورا ثواب روزے کا نصیب ہوگا. اللہ اکبر. اب سنو, پھر حضور نے ارشاد فرمایا ومن اشبع صائما, اور جس نے صحیح اہتمام کے ساتھ روزے دار کو اچھا کھانا کھلایا, اچھی پرتکلف افطاری دی, سقاہ اللہ من الحوض شربتا لا یسمع حتی یدخل الجنہ, اس کو حوض کوثر سے ایسا جام ملے گا کہ اس کو کبھی پیاس نہیں ملے گی یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا. اللہ اکبر. اس کو کوثر کے جام نصیب ہوں گے حشر کی گرمی میں. اور آپ کو معلوم ہے, علماء سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جام کوثر جس نے ایک بار پی لیا پھر 50,000 سال کے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. یہ جام کوثر کی خصوصیت ہے. فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ, یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت ہیں اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے. وَآخِرُهُ اِتْقُ مِنَ النَّارِ, اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ آتش دوزخ سے نجات کا ضامن ہے. فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ, کہا کہ 4 کام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو. خَصْلَتَانِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ, 2 کام تو وہ ہے جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے. وَخَصْلَتَانِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا, اور 2 کام ایسے ہیں کہ ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے, تو وہ تمہیں کرنے پڑیں گے. اَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ, وہ 2 خصلتیں 2 کام جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو. فَشَهَادَةُ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, وہ گواہی دینا ہے لا الہ الا اللہ. وَتَسْتَغْفِرُونَهُ, اور تم کثرت سے استغفار کرو, اللہ سے بخشش مانگو. یہ 2 کام تم نے کرنے ہیں. وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا, اور وہ چیزیں جن بغیر تمہیں چارہ نہیں ہے. فَتَسْأَلُونَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ مِنَ النَّارِ, اللہ سے جنت طلب کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو. تو یہ 2 کام جو تمہاری ضرورت ہے تم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو. تو یہ مہینہ رحمتوں کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے, یہ کرم نوازیوں کے امٹتے ہوئے دھارے ہیں, یہ سیل رحمت ہے جو کہ من کی سیرابی کا سبب و ذریعہ ہے. خوش نصیب ہیں جو ماہ صیام کو خوبصورتی کے ساتھ بسر کرتے ہیں, اس کے آنے سے پہلے استقبال کرتے ہیں, گھروں میں صفائی کریں, اہتمام کریں, مساجد میں اہتمام کریں, تاکہ بچوں میں یہ شوق پیدا ہو کہ ماہ صیام آ رہا ہے. جب ہم بچے تھے تو ہمارے والدین رمضان المبارک سے قبل ہی رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے. اس وقت گھر میں شربت تیار ہوا کرتے تھے گڑ کے, اور وہ پہلے ہی مائیں گھر میں تیاری کرنا شروع کر دیا کرتی تھی. ایک شوق پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آرڈر لکھیں اور 1 سیکنڈ میں گھر پہنچ جائے, لیکن کچھ چیزیں یہ جو ہے وہ تیار کرنی چاہیے, شوق پیدا ہو, گھروں کے اندر
माओं को चाहिए कि इफ्तारी को एहतमाम के साथ तैयार करें ताकि बच्चों को शौक़ पैदा हो और ये एक माहौल पैदा हो, कुरान मजीद की तिलावत का माहौल पैदा हो, जागने सोने के जो है वो शेड्यूल मुरतब किए जाएँ, मसाजद की आबादी का सामना किया जाए। पिछले साल तो बड़ा उदास रमज़ान गुजरा इसलिए कि कोरोना के हवाले से जिस तरह मुल्क की हालात थे वो आपके सामने थे। इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के हालात नहीं होंगे, कुछ SOPs को आपको फॉलो करना होगा, लेकिन मस्जिदों की इंशाल्लाह रौनकें बहाल रहेंगी और सलात व तरावी और सहर व इफ्तार के लम्हे, नवाफल, तस्बीहात, अज़कार, नमाजों में पंचगाना हाजरियाँ, ये कैसा खूबसूरत माहौल होता है, रहमतें बरस रही होती हैं, अनवाद उतर रहे होते हैं और वो क्या खूबसूरत लम्हे होते हैं और क्या घड़ियाँ होती हैं। इंशाल्लाह इम साल मरकज़ मुस्तफ़ा के अंदर सलातो तरावी के लिए ख़ास तौर पे हम एहतमाम कर रहे हैं। मेरी आरज़ू थी कि जब मरकज़ की तकमील हो तो फिर रमज़ानुल मुबारक का एहतमाम के साथ जो है वो हम इंतज़ाम व इंसराम किया करेंगे, क्योंकि इससे कबल बहुत सारे तामीराती कामों की वजह से हम उलझे रहते थे, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से अब मरहला अव्वल की तकमील हो गई और मरहला सानी की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। तो इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमारे लिए बैठने की जगह, ख़वातीन के लिए इंतज़ाम, इफ्तार के लिए, सहर के लिए, दोस्तों के लिए इंशाल्लाह खूबसूरत एहतमाम होगा। बहुत अच्छे कारी कुरान जो है वो सलात व तरावी पढ़ाएंगे, तो वो मीठे और दिल आवेज़ लहजे और मरकज़ का माहौल इंशाल्लाह, ज़िक्र व फ़िक्र के हल्के भी होंगे, दुरूस कुरान के हल्के भी होंगे, तो एक माहौल इंशाल्लाह पैदा हो और इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ माह सयाम में मौजूद रहूँगा, इफ्तार के लम्हों में भी, सहर के लम्हों में भी, सुबह तरावी में भी, नमाजों में भी इंशाल्लाह, और फिर जब हम होंगे तो माह सयाम होगा, रहमत की घड़ियाँ होंगी, उतरते हुए अनवार होंगे, मोहब्बतों का हुजूम होगा, इफ्तार के मेले होंगे, सहरी के खुशगवार लम्हे होंगे, कुरान की दिल नवाज सदाएं होंगी। रियली रियली अमेजिंग बयान, ब्यूटीफुल बयान ऑफ मौलाना रज़ा साकिब मुस्तफ़ा साहब। और प्री रमज़ान हमें क्या इकदाम लेने चाहिए इसके बारे में बताया और एग्जांपल्स कोट की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह करीम इनके मुताबिक हमें रमज़ान करीम के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन, और अच्छे तरह से इसका इस्तकबाल करने की तौफीक दे। आमीन। और जो भी बातें इन्होंने बताई हैं उसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक अगर आप इबादत आ जाती हैं, आपके घर की रूटीन आ जाती है, आपका सहर इफ्तार का जो स्केड्यूल है वो सब कुछ आप पहले से मेंटेन कर लें तो अच्छा होता है, क्योंकि एट अ टाइम जो होता है वो सारी चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी हैं। तो इंशाल्लाह जो है इरादा तो यही है कि अच्छे से अच्छा जो है इसका इस्तकबाल किया जाए और इसको अच्छे से गुजारा जाए, तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला जो है सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो टूटी फूटी सी इबादतें हैं जो हम अपनी तरफ से इनपुट दे रहे हैं, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हमारे जो सगीरा कबीरा गुनाह है वो माफ़ फरमाए और हमें जो है अपनी रहमत में ले लें। बेसिक तो यही बात है, बाकी अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे इंशाल्लाह, अपनी पूरा जो है हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे तरह से गुजार सकें। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और हम जो रमज़ान करीम के रोज़े हैं और इनका जो एहतराम है वो करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्यूटीफुल बयान में, अप टिल नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।